कल जो चलने की स्थिति थी ना, मन खरगोश था लेकिन शरीर कछुआ हो गया था। खुद पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि कभी चले नहीं, अचानक 2 साल कोरोना के टाइम में तो स्थिति बहुत बेकार। बोलो बाप। तो लीजिए, चलते चलते हम पहुंच गए सिक्किम धर्मशाला। हमारे साथी लोग यहीं इंतजार कर रहे हैं, आइए मिलते हैं उन लोगों से। कैसे हैं बम? सब ठीक ठाक एकदम कुशल मंगल। तुमने बुलाया, मैं बुलाया। बोल बाप बोल बाप। हम सब ठीक ठाक। आपके एक मिले थे हमको, आपके फैन, हमारे दर्शक थे। हाँ, उन्होंने बोला था कि मुझे बात कराइए, हमने बात तो आपने करवा दी। तो आपने बहुत देर इंतजार करके गए वो। कोई बात नहीं, आगे पकड़ लेंगे, रास्ते अलग अलग है, ठिकाना तो एक है, सभी को जाना है बाबा के चरणों में, तो आगे पकड़ लेंगे। क्या बम जी से आपका परिचय है? आइए परिचय करते हैं बम जी से, परिचय करवाइए। सबसे पहले बम जी को चरण स्पर्श, आप बताइए। बम जी आसाम से आते हैं, सिक्किम से आते हैं, और सिक्किम से आके यहाँ पर ये कैंप लगाते हैं। और ये सिलसिला अनवरत कितने सालों से चल रही है? 33 साल 33 ईयर्स। और यही कहानी है बाबा की। बिहार को आप कहे सेलेक्ट किए, बाबा के कारण या बिहार होने के कारण? बाबा के कारण। सुबह सुबह पता चला कि, कल ही से पता चला कि तबीयत खराब है, डैमेज हो गया है, फोन कर रहे हैं, फोने नहीं उठाए। फिर विजय बम भी गड़बड़ा गए थे, एक बार मुंह दिखाइए विजय बम के। विजय बम को फोन किए, वो फोन नहीं उठाए। कल जो चलने की स्थिति थी ना, मन खरगोश था लेकिन शरीर कछुआ हो गया था। खुद पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि कभी चले नहीं, अचानक 2 साल कोरोना के टाइम में तो स्थिति बहुत बेकार थी। कल अचानक जूता मोजा छोड़ के सुबह से पैर भी कह रहा था कि यार इनको क्या हो गया है, ये अचानक पैर जूता वूता छोड़ के, तो बहुत ही स्थिति खराब थी। रात में तो कपकपी और बुखार उखार सब होने लगा था। सोए, बाबा का नाम लेके सोए हम लोग, सुबह उठे तो एकदम 1 घंटे में 8 किलोमीटर। तो ये है वो लाइन, क्या बोले, मन खरगोश और शरीर कछुआ हो गया था। इधर आइए, ये दीपक बम और विजय बम, मतलब ये जो बाबा के रास्तों का जो यात्रा होता है, मन तो करता है कूद के चले जाए लेकिन देह बॉडी डैमेज है, तो दिल खरगोश था और शरीर कछुआ हो गया था, लेकिन बाबा का आशीर्वाद। ये देखिए पैर में क्या लगता है। आराम से बाबू, आराम से। क्या बात है, देख रहा बसंत इंटरप्राइजेस, हमको याद आ रहा है जमाल रोड। क्या बात है, बोलो बाप, ये बम फिर आ गए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इस रास्ते में, इस यात्रा में एक से एक अजीबो गरीब कारनामा देखने को मिलेगा। अभी यहाँ से लगभग 7-8-10 किलोमीटर पहले बम से मुलाकात हुआ,
अभी हम इस धर्मशाला में आए हैं, यहाँ मुलाकात हुआ, आगे फिर इनसे मुलाकात होगा। और भी इस तरह के जो कलाबाज हैं, बाबा के भक्त हैं, करामात करने वाले हैं, उन लोगों से मिलते हुए, उनका दर्शन करते करवाते हुए, धीरे धीरे प्यार से बाबा के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। बोला।